नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सहकारी संगठन के बारे में। सहकारी संगठन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में सब कुछ ए टू जेड हम लोग देखेंगे सहकारी संगठन के बारे में। सहकारी संगठन व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन होता है, मतलब ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एक जो है वॉलेंट्री होता है, ठीक है ना, ऐच्छिक होता है, जो उसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से जुड़ते हैं, जो पारस्परिक सहायता के लिए एक साथ मिलते हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। यह प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए काम करते हैं। मतलब इसके तहत क्या होता है, एक सबके लिए और सब एक के लिए काम करने वाले सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक ना। इसमें न्यूनतम 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संगठन है, जिसमें जिसमें व्यक्ति सहायता के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और आपस में जितने भी लोग होते हैं उनकी आपस में सहायता करते हैं। इसका सिद्धांत होता है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक प्रत्येक के लिए। मतलब इसमें जब एक को जरूरत लगेगी सब लोग मिलकर उसकी हेल्प करेंगे, जब दूसरे की जरूरत लगेगी तो उसको छोड़ के बाकी सब लोग उसकी हेल्प करेंगे। इसमें मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 10 मेंबर होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सहकारी संगठन क्या है, यह व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जो पारस्परिक सहायता के लिए एक साथ मिलते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि क्या करना होता है, आर्थिक सहायता करना होता है। या आप ऐसा कह सकते हो, आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन ही क्या कहलाता है, सहकारी संगठन कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, मतलब दूसरे को लाभ कमाना नहीं, बल्कि आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य, आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य व्यक्ति जो संगठन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी संगठन कहते हैं, ठीक है। आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित ऐच्छिक संगठन ही क्या कहलाता है, सहकारी संगठन कहलाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसमें मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मूल सिद्धांत है या मूल मंत्र है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। क्या मूल मंत्र है, प्रत्येक सबके लिए, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, और सब प्रत्येक के लिए, और सब प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो ये इसका मूल मंत्र होता है। एक परिभाषा है, देख लीजिए, प्रोफेसर एल कलवर्ट के अनुसार। किसके अनुसार परिभाषा है, प्रोफेसर एल कलवर्ट के अनुसार सहकारिता उस प्रकार का संगठन है। सहकारिता क्या है, सहकारिता उस प्रकार का संगठन है जिसमें समानता के आधार पर व आर्थिक हितों की उन्नति के लिए, समानता के आधार पर आर्थिक हितों की उन्नति के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से भाग लेता है। क्या होता है, व्यक्ति स्वेच्छा से भाग लेता है आर्थिक हितों की उन्नति के लिए। किस आधार पर, जो है समानता के आधार। सहकारिता उस प्रकार का संगठन है जिसमें समानता के आधार पर वह आर्थिक हितों की उन्नति के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से भाग लेता है, उसे हम कहते हैं सहकारी संगठन। ये किसने कहा, प्रोफेसर एच कलवर्ट ने कहा। किसने कहा, प्रोफेसर एच कलवर्ट ने कहा। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं सहकारी संगठन के आवश्यक लक्षण, अर्थात फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए। तो इसके क्या फीचर होते हैं, क्या लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला है, ये स्वैच्छिक संगठन, मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन है या वॉलेंट्री जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो है प्रबंध सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। मतलब जितने मेंबर होते हैं सब लोग मिलकर के या उन सब में से किसी एक के द्वारा जो है आप इसको मैनेज किया जाता है। इसका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। मतलब जितने रुपए लगा कि इसमें आप कंट्रीब्यूट किए हो बस उतने ही आपका डूब सकता है, उतने तक ही आपकी लायबिलिटी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता। तो लक्षण क्या हो गया, स्वैच्छिक संगठन है, इसका प्रबंध व्यक्तियों अपने सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, लायबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है। इसका नियंत्रण और नियमन सहकारी समिति अधिनियम 1912 द्वारा किया जाता है। कोऑपरेटिव जो कमेटी है 912, इसको कंट्रोल करती है, इसको नियंत्रित और नियमित करने का काम कौन करती है, इसका जो रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है वो उसका रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है कोऑपरेटिव कमेटी 1912। इसका नियंत्रण और नियमन कौन करता है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 द्वारा होता है। सभी सदस्यों के मताधिकार समान होते हैं, मतलब सबको इक्वल वेट दिया जाता है।
ये नकद व्यापार करती हैं, ध्यान समझना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उधार व्यापार नहीं करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नकद व्यापार करती है, उधार व्यापार नहीं करती है। पंजीकरण के बाद वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही इसका लीगल जो है एग्जिस्टेंस होता है, मतलब अगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लाभ क्या होते हैं? सबसे पहली बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो बहुत आसान होता है। लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, ये डेमोक्रेटिक होता है, मतलब सभी को समान वोटिंग राइट्स होते हैं, इक्वल वेटेज दिया जाता है, अभी आपने देखा इसके फीचर में। ये मितव्ययी क्रियाएं हैं, मतलब इसमें पैसा बचा बचा करके लोग जोड़ जोड़ करके एक दूसरे की आवश्यकता में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली। आज जैसे मान लीजिए कि 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो कभी किसी को आवश्यकता, कभी किसी को आवश्यकता, कभी किसी को आवश्यकता, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक समय की प्रक्रिया नहीं बल्कि कई सालों साल चलने वाली ये प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये इसके गुण थे। इसकी हानियां अगर देखा जाए, भाई कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो अछूती हो, सब में कुछ न कुछ लाभ होते हैं और कुछ न कुछ क्या होते हैं, हानि होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके जो है हानियां या अवगुण क्या होते हैं। सबसे पहली बात, भाई लोगों की संख्या जो है इसमें सीमित होती है, मतलब इसमें जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होने के बाद डिस्प्यूट होते हैं, तो संख्या लिमिटेड रहती है, तो लोगों द्वारा पूंजी भी क्या होता है, सीमित होता है। अत्यधिक सरकारी नियमन होता है, मतलब इसका जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है सहकारी समिति अधिनियम 1912 वो इसको ज्यादा कंट्रोल करती है, इसकी वजह से कई ऐसी चीजें होती जो मतलब स्वतंत्रता पूर्वक नहीं की जा सकती है। ठीक है, स्वतंत्रता का थोड़ा इसमें क्या होता है, अभाव होता है। विचारों में मतभेद हो सकता है, भाई कई लोग मिलकर के बिजनेस आपस में दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, सहायता करते हैं, इसमें मतभेद हो सकता है। अब प्रेरणा का अभाव होता है, मोटिवेशन इसमें कम मिलता है। ठीक है, गोपनीयता का अभाव होता है, कई लोग मिलकर काम करेंगे तो सीक्रेसी उतनी नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये इसके अवगुण या हानियां कर सकते हो या इसकी, ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, गोपनीयता का अभाव, वही बात हुआ जो आप ऊपर बता रहे हैं, यह यहाँ गोपनीयता की आवश्यकता होती है, यह उपयुक्त नहीं है, मतलब जहाँ पे गोपनीयता होनी चाहिए तो गोपनीय नहीं होगा कि भाई सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक सबके लिए और सब एक के लिए काम करते हो, तो भाई ये कहाँ से संभव हो पाएगा। तो जहाँ पे गोपनीयता की आवश्यकता वहाँ पर यह अच्छा नहीं होता है। यह व्यक्तिगत प्रयासों के लिए उपयुक्त नहीं है, जहाँ पर इंडिविजुअल इफर्ट की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए कोई मिस्त्री है, वहां पे अगर उसको खुद के एफर्ट लगाने होंगे तो वहां ये हेल्पफुल नहीं होगा। इसका विकास सीमित होता है, इसमें मतलब इसका जो डेवलपमेंट है उतना तेज गति से नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको समझ में आया होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ सीमाएं का मतलब इसका कहाँ पर यूज हो सकता है, सीमाएं की जगह अगर आप इसका प्रयोग लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या प्रयोग होगा, जहां गोपनीयता की आवश्यकता होती है वहां ये उपयुक्त नहीं होता, मतलब इसका प्रयोग कहां नहीं किया जा सकता, कहां प्रयोग कहां नहीं किया जा सकता है, तो जहां गोपनीयता की आवश्यकता वहां इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों की जहां आवश्यकता वहां इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसका विकास थोड़ा सीमित होती है, जहां तीव्र विकास की आवश्यकता होती है वहां पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो समझ में आ गया, ये था पूरा का पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एकल जो सहकारी जो है संगठन की हमने बात किया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।